आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। आज इस मंच से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत आपको कभी फेल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस गति और जिस पैमाने पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य शुरू किया है, हम समयावधि से पहले ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पिछले साल 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अपने निधन से चंद घंटे पहले सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के लेके ट्वीट कर मोदी सरकार की सराहना की थी। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, पहली पुण्यतिथि पर आज सुषमा जी की याद आ रही है। उनके आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन ने बहुत लोगों को दुखी कर दिया। उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुषमा स्वराज ने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और वैश्विक मंच पर वह भारत की मुखर आवाज थी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर पिछले साल सुषमा स्वराज के निधन पर आयोजित एक प्रार्थना सभा में दिए अपने संबोधन का वीडियो भी साझा किया। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सुषमा स्वराज की त्वरित प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें विदेश मंत्रालय को बदल कर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि मंत्रालय पहले प्रोटोकॉल से बंधा होता था, लेकिन सुषमा स्वराज ने उसे लोकोमुखी बना दिया था। इसके साथ ही बीजेपी के कई सीनियर नेता और कई केंद्रीय मंत्री ने उन्हें याद किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट कर कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सरलता व सभ्यता की प्रतिमूर्ति, मृदुल भाषा एवं प्रखर वक्ता थी। पद्म विभूषण से सम्मानित श्रीमती सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। साथ ही आपको बता दें, सुषमा स्वराज को जन जन के नेता बताते हुए JP नड्डा ने कहा कि उन्हें सदैव जनसेवा की प्राथमिकता के लिए जाना जाएगा। राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा किए गए कार्य व संघर्ष असाधारण रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें अपनी प्रेरणा बताया और कहा, आज पहले से कहीं ज्यादा उनकी याद आती है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, देश के पूर्व मंत्री व एक ओजस्वी वक्ता आदरणीय सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें सबसे ऊंचा कद की भारतीय महिला नेताओं में से एक बताया और कहा कि देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा, वह लोगों के बीच बिल्कुल घुल मिलकर रहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में खपा दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुषमा स्वराज को एक ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी नेता और इन सबसे अधिक एक करुणामय इंसान के रूप में याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ दी है और उन्हें हर योगदान के लिए हम उनके आभारी रहेंगे। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।